आज हम लहासा की ओर पाठ के वन लाइनर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लहासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम क्या है? पाठ का लेखक जो है वो है श्री राहुल सांकृत्यायन। सेकंड क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? यह है यात्रा वृत्तांत। लहासा किस देश में स्थित है? फिर आता है, राहुल सांकृत्यायन कहाँ के रहने वाले थे? तो राहुल सांकृत्यायन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लेखक ने अपना नाम परिवर्तन कब किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? सन 1930 में। उन्होंने कौन से शास्त्र की रचना की है? उत्तर आएगा घुमक्कड़ी शास्त्र। श्री राहुल सांकृत्यायन प्रथम बार तिब्बत किस रास्ते से गए थे? वह पहली बार नेपाल के रास्ते से गए थे। लेखक ने तिब्बत के किस स्थान की यात्रा को खतरनाक बताया है? डांडा की यात्रा को उन्होंने खतरनाक बताया है। तिब्बत में डाकुओं के लिए कौन सा स्थान अच्छा माना गया है? क्योंकि डांडा को इसीलिए खतरनाक बताया था, तो डांडा स्थान को अच्छा माना गया है डाकुओं के लिए। यहाँ पर कूची कूची का क्या अर्थ है? यहाँ पर अर्थ है दया दया। डांडे की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 17 से 18 हज़ार फीट। रात को लेखक और उसका मित्र कौन से स्थान पर ठहरे थे? लंकोर स्थान पर वो ठहरे थे। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया था? मार्ग भूल जाने के कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया था। तिंगरी का मैदान कैसा था? तिंगरी का मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था। तिंगरी समाधि गिरी किसका नाम है? एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। राहुल सांकृत्यायन और उसका साथी तिंगरी से कितने बजे चले थे? 10 से 11 बजे। तिब्बत में जागीरों का बड़ा भाग किनके हाथों में है? मठों के हाथ में है। शेखर के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा, उन्हें कंजूर कहा जाता है। एक कंजूर का वजन अनुमानित है कितना बताया गया है? एक कंजूर होती है लगभग 15 शेर की, तो 15 15 शेर। सुमति कौन था? सुमति था मंगोल भिक्षुक। मंगोल भिक्षुक का नाम लोबजंग था। लोबजंग का सामान्य अर्थ क्या है? लोबजंग का सामान्य अर्थ है सुमति, यानी जिसकी बुद्धि अच्छी हो। तिब्बत में कौन से धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। ये इस पाठ के वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं, और आप इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो भी इससे आप देख सकते हैं। तो इसी पाठ से संबंधित यदि आपको व्याख्या और समरी देखनी है तो आप चैनल के और वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। और यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।